नमस्कार, मैं हूँ चित्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार और नई रेसिपी के साथ। तो आइए आज बनाते हैं हम ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। तो आइए आज बनाते हैं हम ब्रेड रोल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें। तो ब्रेड रोल के लिए हम सबसे पहले आलू की स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो ये कढ़ाई में हमने ले लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो ये डाल दिया है हमने 1/2 चम्मच के करीब राई। तो राई को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। कई बार जब राई कच्ची रह जाती है तो फिर वो कड़वा स्वाद देती है, तो पकना ज़रूरी है अच्छे तरीके से राई का। तो राई के पकने के बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हींग पाउडर। हल्का सा इनको भी हम भुनने देंगे। और अब डाल दिया हमने 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो मिर्च यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। अब हम डाल देंगे 2 प्याज हमने ले लिए थे लगभग मीडियम साइज के और बारीक बारीक उनको चॉप कर लिया है। तो वो बारीक चॉप प्याज भी हम डाल देंगे और हल्का सा प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए उतना हमको फ्राई करना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ताज़े करी पत्ते भी डाल सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा अरोमा आता है इसमें। तो ये देखिए लगभग हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका है, बस 1 से 1.5 मिनट हमको फ्राई करना है। तो अब हमने इसमें कुछ डालना है सूखे मसाले। तो ये हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, तीखा खाते तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे इसमें थोड़ा नमक। तो सारे जो सूखे मसाले हैं उनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब हमने ये ले लिए हैं लगभग 250-300 ग्राम के करीब आलू है, इनको हमने उबाल कर छिलका इनका निकाल लिया है। तो अब इनको मैश करके हम इसमें डाल देते हैं। और आप चाहें तो इसमें मटर का यूज भी कर सकते हैं, फ्रेश मटर है तो उनको आप हल्का सा उबाल कर इसमें ऐड कर लें। फ्रोजन मटर है तो फिर आप उसको बिल्कुल वैसे ही डाल सकते हैं पानी से वॉश करके। तो मटर का भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आलूओं को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मसाले को भून लेंगे। तो इस तरीके से मैश करते हुए मसाले को हम भुनेंगे ताकि जो आलू है वो बिल्कुल मैश होते जाएंगे और मसाले में भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और मसाले को हमें 2.5-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनना है लगातार चलाते हुए ताकि जो आलू का पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए। ये मसाला हमको थोड़ा सा ड्राई चाहिए होता है ताकि जो ब्रेड रोल है वो हमारे अच्छे तरीके से बन पाए। तो अब हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पे अगर आपको पाव भाजी मसाले का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं और सिर्फ इसमें आप गरम मसाले का ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें दोनों ही डाले हैं, पाव भाजी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हमने पाव भाजी मसाला और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, बिल्कुल भी आलू के चंक्स इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से मैश हो चुका है।
तो अब हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर हल्के से खट्टेपन के लिए, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हमने अमचूर पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। तो अब गैस को हम बंद कर देते हैं और किसी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि फटाफट से जो स्टफिंग है वो हमारी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद जो स्टफिंग है वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो स्टफ़ करने में आसानी रहती है। तो ये हमने छोटी साइज़ की ब्रेड ले ली है, तो आप इसको बड़े ब्रेड से भी बना सकते हैं। बड़े साइज़ की ब्रेड लेंगे तो रोल्स भी बड़े बनेंगे। और ये हमारी स्टफिंग ठंडी होके बिल्कुल तैयार है। और ये प्लेट में हमने पानी ले लिया है, तो ये हम ब्रेड लेंगे और इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे। बस तुरंत ही पानी में डिप करके हमको निकाल लेना है, ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा देर पानी में डिप करके नहीं रखेंगे, और हथेली से हल्का हल्का सा दबाते हुए इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से ये प्रोसेस करना है कि हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए सारा जितना हो सके उतना पानी आप ब्रेड से निकाल लें। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर देके दबाएंगे तो फिर ब्रेड आपका टूट जाएगा, और अच्छे से पानी अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर जो ब्रेड रोल है वो आपका ऑयल में जाके फट भी सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानी पूरे तरीके से जितना हो सके आप निकाल लें। और अब इसमें हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो भर लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रेड का साइज़ छोटा है, मैंने छोटे साइज़ की ब्रेड को यूज़ किया है, तो स्टफिंग भी उसके हिसाब से ही जाएगी। तो ये लगभग 1 से 1.5 चम्मच की, छोटे चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग डाली है, और हल्के हाथ से ब्रेड को उठाते हुए मुट्ठी में बंद करते हुए हल्का सा प्रेशर लगाते हुए इसको पहले हम बाइंड कर लेंगे, यानी कि बॉल टाइप बना लेंगे इसको, ताकि अच्छे से सेट हो जाए ब्रेड और स्टफिंग आपस में। और फिर हम उसको हल्के हाथ से ओवल शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो इसमें मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का भी कर सकते हैं। मैंने वाइट ब्रेड और छोटी ब्रेड का यूज़ किया है। और आप चाहे तो जो सैंडविच बनाने की बड़ी ब्रेड आती है तो उससे आपके रोल्स भी बड़े बनेंगे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी छोटी अवेलेबल थी तो मैंने इसी से बना लिया है। तो ये देखिए, इसको मैंने ओवल शेप दे दिया है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस कुछ छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, बस कि ब्रेड को बहुत ज़्यादा देर पानी में डिप नहीं रखेंगे, तुरंत हल्का सा पानी को टच करते ही हम निकाल लेंगे। तो देखिए, एक और पीस मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ब्रेड हमने लिया, तुरंत ही पानी में डिप करके और उठा लिया, और अब दोनों हथेलियों के बीच में हल्का हल्का सा दबाव देते हुए सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे। इस तरीके से जितना हो सके उतना हम निकाल लेंगे। देखिए, सारा लगभग जितना हो सके उतना पानी निकल चुका है। तो अब इसमें हम स्टफिंग रख देंगे बीच में। तो स्टफिंग भी आप अपने ब्रेड के साइज़ के हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग आपको नहीं भरनी है, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं भरेंगे। बहुत कम भी भर देंगे तो फिर आपको वो परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हम मिक्स इसको उठाते हुए अच्छे से बाइंड करते हुए इसको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का दबाते हुए। और यहाँ अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया अवेलेबल है तो ज़रूर आप बारीक काट के स्टफिंग में मिलाएं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने स्टफिंग में नहीं मिलाया था, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है स्टफिंग का। तो ये देखिए, दूसरा भी हमने रोल बना के तैयार कर लिया है। बस इसी तरीके से हम एक साथ ही सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। उससे क्या होगा कि अगर हल्का हल्का मॉइस्चर है तो रोल हमारे ड्राई भी होते जाएंगे। तो इस तरीके से रोल बनाकर आप 5-10 मिनट के लिए रख भी दें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, डीप फ्राई करते हुए दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने रोल बना लिए हैं, और ये मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को एक बार अच्छा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर कम गर्म है आपका ऑयल और अगर आप ये रोल डालेंगे तो कई बार फट भी सकते हैं, तो अच्छा गर्म होना ज़रूरी है ऑयल का। तो पहले हम एक रोल को ही फ्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमने रोल डाल दिया है, तो रोल को अभी हम टच नहीं करेंगे। जो गरम ऑयल है वो हल्का हल्का सा उसके ऊपर हम डालेंगे ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो एक बार डीप फ्राई हो चुका है तो आप इसको हल्का हल्का सा घुमाते हुए डीप फ्राई करेंगे, और केवल 1 मिनट में ही आपका ब्रेड रोल डीप फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने सारे एक साथ बना के रख लिए हैं
तो फटाफट 3-4 मिनट में ये डीप फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 1 ही मिनट में ये ब्रेड रोल हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से डीप फ्राई होकर रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा अगर आप डार्क करेंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लाइट हल्का गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा ब्रेड रोल आपका डीप फ्राई होकर तैयार हुआ है। तो अब हमने एक निकाल लिया है, तो ऑयल हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और दोबारा उसे आप गर्म कर लें, फिर आप उसमें दूसरा बैच डालें, वरना कई बार ये फट जाते हैं अगर ऑयल ठंडा होगा तो। तो अब हमने एक साथ 3 डाल दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर बस उसी तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनके तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से सारे हम डीप फ्राई करके तैयार कर लेते हैं और 2 से 3 एक साथ डालते हैं तो कई बार ये आपस में हल्का सा चिपक जाते हैं, तो इन्हें हम बीच में अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। तो जैसे ये डीप फ्राई हो जाएंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। ये देखिए तीनों को हमने एक साथ पलटा है तो ये अलग हो गए हैं, और चम्मच से अगर हम अलग करते हैं तो कई बार ये टूट जाते हैं। तो ये देखिए ये भी अच्छे से डीप फ्राई होके तैयार है। तो रेसिपी बहुत ही आसान है लेकिन खाने में तो बहुत ही शानदार है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इस तरीके से एक बार आप ब्रेड रोल जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये देखिए ये ब्रेड रोल हमने निकाल लिए हैं, एकदम परफेक्ट और शानदार फ्राई होके तैयार हुए हैं। सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निथार लेंगे और इन्हें आप किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो अब्सॉर्ब कर लें। तो आइए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो इसे दही के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, जैसा भी आपको पसंद है आप सर्व कर सकते हैं। तो ये आपके ब्रेड रोल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक बार तो रेसिपी को ट्राई करना बनता है, तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और जब कभी अचानक आपके घर मेहमान आ जाए तो फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं।